Hi everyone, in Anthropology Lecture Series for Paper 2, today we are going to discuss topic 1.1 Part 2. So let's begin. See, in this particular lecture we'll be covering the Mesolithic. हमने Part 1 के अंदर Paleolithic को cover किया था and subsequently उसके जो Lower, Middle and Upper Paleolithic थे हमने उन सारे को discuss किया था. आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेसोलिथिक डिस्कस करेंगे एज द वे वी हैव डन फॉर द पेलियोलिथिक, जिसके अंदर वी हैव सीन लाइक व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द डिस्कवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कल्चर इन इंडिया, देन द ज्योग्राफिकल लोकेशन, मीन्स ऑफ सस्टेनेंस क्या रही थी, टूल्स किस टाइप के यूज हुआ करते थे, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट द एंड विल डिस्कस द वैल्यू एडिशंस, जिसके अंदर हम मेजर कल्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके मेसोलिथिक से रिलेटेड है, बिकॉज मोस्टली एग्जामिनेशन में कल्चर्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट? दे विल गिव यू वन पर्टिकुलर कल्चर एंड आस्क यू टू राइट अबाउट इट. सो दैट्स हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. ओके, सो शुरू करते हैं. बट बिफोर वी जंप डायरेक्टली ऑन टू द टॉपिक, सो हियर आर सम लाइक रिफ्रेशिंग थिंग्स दैट यू शुड फर्स्ट सी, दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेसोलिथिक, सो देन आप होलोसीन इपूच की बात कर रहे हैं. होलोसीन इपूच इज समथिंग द सेम एज वी आर लिविंग टूडे, ऑलराइट? और ये इपूच आप सभी को पता है ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पे आप बात कर रहे हैं, और बाकी के सारे आपके जितने भी नियोलिथिक, कॉपर, ब्रोंज, देन आयरन और हिस्टोरिक एज और प्रेजेंट एजेस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ होलोसीन इपूच. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनवायरमेंटल कंडीशंस, देन यू विल रियलाइज कि व्हाई दिस होलोसीन इपूच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेसोलिथिक वन. ठीक है, देन जब आप बात करते हैं टाइमलाइन की, तो टाइमलाइन अगर आप देखें तो दिस लाइक पर्टिकुलर चार्ट वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल, तो पेलियोलिथिक आपके 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक है, और मेसोलिथिक जो आज हम बात करने वाले हैं इट मोस्टली कंसर्न अबाउट 10,000 बीसी टू 8,000 बीसी. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज दैट जो ये भी टाइम स्केल्स है, कहीं कहीं पर आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिख सकते हैं. दैट इज ऑफकोर्स ओके, बिकॉज अलग अलग हिस्टोरियंस ने और अलग अलग जो ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट होता है उसके हिसाब से डेट्स चेंज होती रहती है. यूरोप में थोड़ा बहुत आपको टाइम स्केल आगे पीछे देखने को मिलेगा, इंडिया के कंटेक्स्ट में वही थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आगे पीछे देखने को मिलेंगी. ठीक है, बट आपको एक स्टैंडर्ड चीज़ याद रखनी है, 10,000 बीसी टू 8,000 बीसी, दैट यू कैन रिमेंबर. नाउ टॉकिंग अबाउट द टूल, सो जब हम टूल की बात करते हैं, हमने पेलियोलिथिक के अंदर देखा था कि कैसे आपके ओल्डोवान, एचलूनियन, ओल्डोवान मोस्टली आपके अफ्रीका में देखने को मिला था, इंडिया के कंटेक्स्ट में आपने एचलूनियन को देखा था, फिर मॉस्टीरियन आया था, और अपर में एक और टूल ट्रेडिशन होता है दैट इज नोन एज द ओरिगैनिसियन. ये आपके मोस्टली एचलूनियन का और माइक्रोलिथ जो कि आगे आने वाला है इसका एक ट्रांजिशन पीरियड था. एंड माइक्रोलिथ हम बार बार पढ़ते आए हैं, जीएस में भी आपने पढ़ा होगा, व्हेन यू टॉक अबाउट मोर सोफिस्टिकेटेड स्मॉल टूल्स, राइट, जो ज़्यादा प्रिसाइसली काम कर सकते हैं. एंड दीज माइक्रोलिथ्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस मेसोलिथिक, ये माइक्रोलिथ्स आपके मेसोलिथिक पीरियड में देखने को मिलेंगे. सो दिस इज द ट्रांजिशन, दिस इज द टूल टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज द टाइम पीरियड, एंड दिस इज वॉट the epoch that we are talking about. Now when you know about all these things, now let's talk about the Mesolithic age in India. So it happened something like that, jab aap paleolithic ki baat karte hain, that to the upper paleolithic ki jab aap baat karte hain, to is upper paleolithic age mein kuch advancement hone shuru ho gaye the. Advancement in terms of आपने देखा था मिडिल पेलियोलिथिक के टाइम पे फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी, देन अपर पेलियोलिथिक तक आते आते थोड़े बहुत टूल्स में सोफिस्टिकेशन आने शुरू हो गए थे. And they started like living in a very different way compared to the lower Paleolithic. So by the time you reaches the 25,000 BC, which is part of your upper Paleolithic, यहाँ तक आते आते आपको थोड़ी बहुत progression देखनी शुरू हो गई थी in the living standard of the Paleolithic men. And that transition brings them to the Mesolithic. और ये जो मेसोलिथिक है कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि जो पेलियोलिथिक है और जो नियोलिथिक है इसके बीच में मेसोलिथिक आता है, दीज ऑल थ्री आर पार्ट ऑफ स्टोन एज. तो ये मेसोलिथिक इज समथिंग लाइक द ट्रांजिशन पीरियड, ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है ना बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस देखी गई है इन कम्पेयर टू लाइक थिंक एवरीथिंग इन रिस्पेक्ट टू द स्टोन एजेस. ठीक है, हम उस टाइप के एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं. सो मेसोलिथिक में ट्रांजिशन होना शुरू हो गया था, मतलब एक वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनना शुरू हो गया था नियोलिथिक के लिए, जहाँ पे जाके एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट शुरू हो
और पेलियोलिथिक से एडवांसमेंट शुरू हो गया था जहाँ पर मेन स्टार्टेड लिविंग इन अ बेटर वे इन कंपेयर टू दी प्रीवियस ईयर्स, राइट। और जो प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्डे है, बिकॉज आपने ये जो ट्रांजेक्शन है, हम तो ये बात कर ली कि मेजोलिथिक इस टाइप का ट्रांजेक्शन है, सो बट इन एग्जामिनेशन वंस यू राइट डाउन कि वाई यू आर सेइंग सो, बिकॉज प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्डे हु सेड कि जो ये ट्रांजेक्शन पीरियड है ऑफ द पेलियोलिथिक मैन टू द नियोलिथिक, इट हैपन वाया दिस मेजोलिथिक वन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट फॉर योर आंसर। और ये जो मेजोलिथिक पीरियड था, इस टाइम पे किस किस टाइप के स्टोन्स यूज़ होने शुरू हो गए थे, लाइक चैल्सिडोनी, सिलिकेट, इन टाइप के स्टोन्स यूज़ हुआ करते थे फॉर मेकिंग टूल्स। ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल इन बिट फर्दर कि आप किस किस टाइप के स्टोन्स यूज़ हो रहे थे, बट अगर हम थोड़ा ओवरव्यू की बात करें तो स्टोन टूल्स आप देखेंगे कि यहाँ पे हंटिंग के लिए भी टूल्स यूज़ होने शुरू हो गए थे, फिशिंग के लिए हुक्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, बिकॉज मैन नाउ स्टार्टेड लिविंग नियर बाई द रिवर बेड्स एंड दे स्टार्टेड हैविंग फिशेज, क्योंकि अभी फायर का भी इन्वेंशन हो चुका है, तो दे माइट स्टार्टेड कुकिंग इट एज वेल फॉर बेटर टेस्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी, और ये काफ़ी माइन्यूट साइज़ के थे, दैट वी कॉल द माइक्रोलिथ, छोटे छोटे थे, बिकॉज उसी से अब आप बहुत बड़े पत्थर से एक फिश को नहीं मार सकते, राइट। फॉर फिश यू नीड सम वेरी प्रिसाइज स्मॉल टूल, राइट। और ये फिश टू सॉरी जो फिश हुक्स थे, ये मोस्टली आपके बोन, फ्लिंट, इन सब चीज़ों से बने होते थे, एंड वेर यूज इन दैट स्टेज। द स्मॉल डेलिकेट स्टोन इम्प्लीमेंट मेड ड्यूरिंग दिस एज वेर कॉल्ड द माइक्रोलिथ, एंड इसी से आपका वो जो ट्रांजेक्शन है, टूल ट्रांजेक्शन जो हमने देखा, वो निकल के आया है। ऑलराइट, I've seen in the Paleolithic that Robert Bruce Footer was the one who first discovered the Paleolithic sites in India. उसी तरीके से आपके जो Mesolithic sites है, this was discovered by ACL Cardial. अब ACL Cardial ने ये discoveries कहाँ पे करी थी? Because Robert Bruce Footer ने जो Paleolithic के sites discover करी थी, that was in Madras. उसी से Madrasian culture निकल के आया था. So इन्होंने ये discoveries की थी of the microliths in the caves and the rock shelters of Vindhya Hills, which is part of Madhya Pradesh nowadays, right? तो इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरीज की थी, एंड बेस्ड अपॉन दैट और भी बहुत सारे डिस्कवरीज किए गए इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक साउथ इंडिया में किए गए, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी के और रीजन्स में किए गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सारी जगहों पे एक्सकवेशंस हुए, और इन एक्सकवेशन से काफ़ी कुछ पता चला अबाउट द मेजोलिथिक एज, राइट। और इसके बाद जो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप बात करें, हु वाज द वन हु कैन बी कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द मेजोलिथिक इन इंडिया was Dr. H.D. Sankhalia. Okay, तो H.D. Sankhalia ने भी काफ़ी सारी डिस्कवरी की थी, मोस्टली इन दी पार्ट्स ऑफ गुजरात। इन्होंने गुजरात पे काफ़ी काम किया था, और जब आप लाइक पेपर टू के आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि वहाँ पे हमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में क्या क्या बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं, इंडियन एज वेल एज द 18th एंड 19th सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो उसके अंदर भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बट द रीज़न फॉर टेलिंग यू नाउ इज कि आप जो कोई भी ये नेम्स देख रहे हैं ना, स्पेशली इन दी टॉपिक 1.1, कई बार ये ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जब आप उठा के देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यू कैन सी कि कुछ जो फेमस पर्सनालिटीज थी हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली, और आप कह सकते हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जिनका रहा हो, उनके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 10 marker क्वेश्चन आपको उनके बारे में लिखना होता है, ठीक है। सो वट आई वुड सजेस्ट यू इज लाइक ACL Cardial के अगर बारे में आप देख रहे हैं, तो अगर आपको टाइम मिले, इफ़ यू हैव लाइक फर्दर इंटरेस्ट, और ऑफकोर्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, यू शुड रिसर्च अ बिट मोर अबाउट हिम ऑन योर ओन, ठीक है। SD Sankhalia के बारे में भी आप थोड़ा बहुत देखें कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी, ऑल्दो यू गॉट द नेम्स, आप एग्जाम में लिखने जाओगे तो आपको कुछ एक पॉइंट्स तो निकल के आ जाएंगे यहाँ से जो आप लिख लोगे, बट वंस यू स्टार्ट लाइक डूइंग द एफर्ट फ्रॉम योर साइड ना, आपका आंसर और ज़्यादा इनरिचिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जब आप ये लिस्ट देख रहे हैं, आई हैव मेड दिस लिस्ट फॉर यू टू मेक योर वर्क मोर ईजियर, इस लिस्ट के अंदर जो अलग अलग मेजोलिथिक साइट्स की डिस्कवरीज करी गई थी, एक्सकवेशंस की गई थी इंडिया में, उन सभी के नाम मैंशन है, और ये सारे जो भी डिस्कवरीज हैं, हम आगे चल के डिटेल में उनको पढ़ेंगे अंडर वेरियस कल्चर्स, बट फॉर द रीज़न आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज, जैसे आप यहाँ पे देखें कि तिलवारा का जो एक्सकवेशन हुआ था, दैट वाज लेड बाय VN मिश्रा, और ये जो क्वेश्चन है लाइक VN मिश्रा, डायरेक्टली इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2020 के अंदर, ठीक है। तो अब जिन लोगों को VN मिश्रा के इन मेजोलिथिक साइट्स के बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होगा, दे मस्ट हैव
लाइक रिटन द आंसर वेरी वेल. जिनको नहीं पता होगा उनके लिए थोड़ी तकलीफ वाली बात हो सकती है. वहीं क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है लाइक मेसोलिथिक विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न इंडिया. तो आपको ये भी ज्योग्राफिकल लोकेशन जब हम आगे देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी साइट्स आपके वेस्टर्न पार्ट में है. तो आपको उन्हीं के बारे में लिखना है क्वेश्चन. वेस्टर्न इंडिया को लेके पूछ लिया गया यानी कि आपको तिलवाड़ा बग्गर इन सब के ही बारे में लिखना है बिकॉज दे ऑल लाइक बिलोंग्स टू पार्ट्स ऑफ राजस्थान राइट. तो ये आपके वेस्टर्न पार्ट्स में आ गए. वहीं आपके ये लामगंज भी आपके गुजरात में आता है तो ये भी आप वेस्टर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं. आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है. तो मेक श्योर दैट यू नो अबाउट देम इन अ गुड डिटेल ऑन योर ओन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप रट भी लोगे तो शायद आपको याद ना रहे ठीक है. उसी तरह से आर के वर्मा ऑल तो अभी तक क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा कि रिसेंट पास्ट में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हो लेकिन दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट नेम राइट. जैसे बी वी लाल इन्होंने भी किया था. एच डी संखालिया अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि इन्होंने मेसोलिथिक में काफ़ी काम किया था और वही आप देख सकते हैं कर्नाटका में भी इन्होंने देखा है. गुजरात में तो उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रही ही थी. तो इन सारे नेम्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आइडिया होना चाहिए ठीक है. बिकॉज आप जब एक बार ये आप मेंशन कर दोगे ना इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए डी संखालिया के बारे में तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में मेंशन करोगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे डिस्कवरीज की थी. फिर उन डिस्कवरीज के ऊपर जो भी आपका इलैबोरेशन हो रखा है जो आप ऑलरेडी पढ़ोगे इस लेक्चर के अंदर आप उसको भी इंक्लूड करके एक अच्छा आंसर प्रिपेयर कर सकते हो राइट. सो आई होप यू आर ट्राइंग टू डू इट फ्रॉम योर साइड एज वेल ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेसोलिथिक एज. सो सबसे पहले अगर मींस ऑफ सस्टेनेंस की बात करें लाइक व्हाट डू पीपल यूज टू डू टू सर्वाइव तो इस टाइम पे भी लोग मोस्टली हंटिंग फिशिंग इन्हीं सब चीज़ों पर निर्भर थे बिकॉज एज वी नो दैट एग्रीकल्चर आपकी नियोलिथिक के टाइम पे आया था ऑलराइट. और जो मोस्टली डोमेस्टिकेशन है डोमेस्टिकेशन भी इस टाइम तक किया जाना शुरू हो चुका था मोस्टली ऑफ डॉग्स शिप्स वाइल्ड जो वाइल्ड डॉग्स जिसको बोलते हैं. आज के डेट में ऐसे डॉग्स नहीं पाए जाते बट लाइक वाइल्ड डॉग्स आप उनको बोल सकते हैं. शीप गोट्स इन टाइप के मोस्टली एनिमल्स थे जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता था. ऑफकोर्स दे वर नॉट डोमेस्टिकेटिंग द लायंस एंड टाइगर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो राइट. और यहाँ पे एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ इट इज डिपिक्टेड कि दे वर मेकिंग सम स्पेसिफिक टूल्स फॉर हंटिंग और फॉर फिशिंग इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था फ्रॉम दी मेसोलिथिक एज इट्सेल्फ. एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में लाइक हाउ दी मेसोलिथिक हेल्प्स इन द ट्रांजिशन टू द नियोलिथिक. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट कुछ इस इंटर रिलेशन को आपको एस्टैब्लिश करना था ठीक है. तो आप यहाँ से जैसे धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था थोड़ी बहुत इन्होंने चीज़ें उगाना शुरू कर दिया था नॉट प्रॉपर एग्रीकल्चर बट सम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. तो इन सारे पॉइंट्स को आप यूज़ करके जो क्वेश्चंस पूछा गया था कि कैसे मेसोलिथिक ने नियोलिथिक के ट्रांजिशन में हेल्प किया इसको जस्टिफाई कर सकते थे ऑलराइट. टूल्स की अगर आप बात करें तो एज वी नो कि यहाँ पे माइक्रोलिथ्स यूज होना शुरू हो गया था ठीक है. सो माइक्रोलिथ टूल ट्रेडिशन वॉज बींग यूज ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज. और ये किस टाइप के टूल्स हुआ करते थे मोस्टली ज्योमेट्रिकल और कुछ नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स भी थे. ज्योमेट्रिकल शेप व्हेन यू टॉक अबाउट दीज आर द ज्योमेट्रिकल शेप्स राइट. तो ये ज्योमेट्रिकल शेप्स की आप बात करें और कुछ नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि कुछ आड़े तिर शेप इस टाइप के. और ये टूल्स किस चीज़ से बने होते थे व्हाट टाइप ऑफ स्टोन वाज बीइंग यूज्ड तो वो सारे स्टोन्स के नाम आप यहाँ देख सकते हैं. ये आपको रटना पड़ेगा बेसिकली एंड यू हैव टू राइट डाउन कि किस टाइप के स्टोन्स यूज हुआ करते थे फॉर मेकिंग द टूल्स इटसेल्फ राइट. और ये जो टूल्स है एज यू कैन सी हियर तो ये भी टूल्स आपको ड्रॉ करना आना चाहिए एग्जाम में वेरियस शेप्स एंड साइजेस. जैसे ये ट्राइंगल शेप टूल्स थे ये ट्रेपेज थे ये ब्लेड टाइप के थे ये लुनेट्स बोलते हैं इनको. तो आप एक बार पॉज करके देखें किस किस टाइप के टूल्स थे एंड वंस यू लाइक स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फॉर योरसेल्फ तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू बिकॉज इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं आपको समझने के लिए कि क्या है नहीं है. यू जस्ट हैव टू नो कि किस टाइप के टूल्स यूज हुआ करते थे शेप एंड साइज कैसा था मटीरियल कौन सा यूज हुआ करता था और एक प्रॉपर टूल्स का यूजेज क्या था मोस्टली ठीक है. ये तीन चीज़ आप याद रखेंगे टूल्स के अंदर आपका काम हो जाएगा. देन हैबिटेशन की अगर आप बात करें कि लोग कहाँ रहा करते थे कैसे रहा करते थे बिकॉज हमने पेलियोलिथिक में देखा था दैट दे वर मोस्टली लिविंग इन केव्स एंड रिवर साइड में खुले आसमान के नीचे रह रहे थे. तो मेसोलिथिक में क्या कोई चेंजेस आया था. ऑफकोर्स देर वॉज सर्टन चेंजेस नॉट अ वेरी ड्रास्टिक वन बट ऑफकोर्स अ सोफिस्टिकेटेड चेंज हैपन ड्यूरिंग द मेसोलिथिक. वो कैसे हुआ कि अभी भी लोग केव्स में रहा करते थे लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जैसे कि आपके लंगनाथ जो कि आपके गुजरात में है यहाँ पे विंड स्क्रीन्स
यूज हुआ करने लगे थे. विंडस्क्रीन जो आप देखते हो कार में विंडस्क्रीन लगी होती है, डोंट इमेजिन लाइक दैट. विंडस्क्रीन मतलब हवा से बचाव के लिए, सर्टन काइंड ऑफ शेडिंग एंड समथिंग. वैटन हट्स, विंड ब्रेक्स, इस तरीके की चीज़ें, सर्कुलर हट, ये आप अलग अलग टाइप के इस टाइप के स्ट्रक्चर्स, मतलब दे आर नॉट द पिक्चर्स फ्रॉम द मेसोलिथिक एरा, दे आर जस्ट द डिपिक्शन ऑफ इट कि किस टाइप के हट्स उस टाइम पे देखने को मिलते थे. तो इस तरीके की चीज़ें और हैबिटेशंस आपको देखने को मिलती थी. तो दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स, अगर आप याद करके इनको लिखेंगे किस टाइप के हैबिटेशंस कहाँ कहाँ पे थे, दैट इज़ वेल एंड गुड. नाउ बुरियल प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो बुरियल प्रैक्टिसेस के एविडेंसेस हमें पेलियोलिथिक में नहीं मिले थे, बट इन द मेसोलिथिक यू कैन फाइंड सर्टन एविडेंसेस ऑफ द बुरियल प्रैक्टिसेस. और ये कहाँ कहाँ पे थे, आपके लंगनाथ गुजरात में पाए गए थे, मोराना पहाड़ा उत्तर प्रदेश में देखे गए थे, लाइक सर्टन प्रैक्टिसेस. तो दीज एग्जाम्पल्स दैट यू शुड राइट, ठीक है. और कुछ ऐसा भी पाया गया था दैट वो अपने जो डेड होते थे होम दे यूज टू बरी, देर यूज टू बरी अलॉन्ग विद द फूड आइटम्स एंड अदर गुड्स, बिकॉज उनको ऐसा लगता था देर इज अ लाइफ बियॉन्ड डेथ ऑल्सो, टू मेक द जर्नी ऑफ द डेड वन कम्फर्टेबल, वो उनके साथ ये सारी चीज़ें रख दिया करते थे. वहीं अगर आप पॉटरी की बात करें तो देर वर सर्टन काइंड ऑफ एन पॉटरी दैट वॉज मेड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक. कुछ एविडेंसेज आपको मिले हैं इन गुजरात, पार्ट्स ऑफ मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में है, दैट यू कैन राइट एज वेल. अगर पेंटिंग्स की बात करें तो ऑफकोर्स केव पेंटिंग्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी, जिसमें कि अगेन आपका हंटिंग सीन है वो बहुत प्रीडोमिनेंट था, डांसिंग, फूड कलेक्शन, ये सारी चीज़ें इस पेंटिंग्स में दिखाई गई थी. एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज पेंटिंग्स कि कहाँ कहाँ पर पाई गई हैं. केरला के भी पार्ट्स में देखे गए हैं, आपके उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और भीमबेटका केव इज़ ऑफकोर्स वेरी फेमस. और ये मोस्टली रेड और ब्लैक कलर में ड्रॉ किए जाते थे, ठीक है. रेड और ब्लैक कलर की कलर्स यूज हुआ करती थी मेकिंग दीज पेंटिंग्स. और आइडिया जो इनका यही था, मतलब द मेजर थीम वॉज अराउंड दिस ओनली वाइल्ड एनिमल हंटिंग सीन एंड सो एंड सो फोर्थ. तो ये सारी चीज़ें यू कैन राइट डाउन, ठीक है. क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था पेलियोलिथिक आर्ट को लेके, तो क्या पता मेसोलिथिक आर्ट को भी लेके आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो यू नीड टू लाइक बी प्रिसाइज एंड राइट इन दिस वे, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल कंडीशंस, सो एनवायरमेंटल कंडीशंस एक चीज़ आप इसमें और ऐड कर सकते हैं कि चूँकि ये होलोसीन अप्रोच में थी, तो जो आज का एनवायरमेंटल कंडीशन है इट वाज मोस्टली ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर टू द मेसोलिथिक पीपल इन इंडिया. जो आज के एनवायरमेंटल कंडीशन है इनसे मिलता जुलता था. कैसा एनवायरमेंटल कंडीशन, सम वार्म एंड ह्यूमन काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओके. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक और क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया था दैट व्हाट आर द इकोलॉजिकल अडैप्शन ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड. तो इकोलॉजिकल अडैप्शन आपका कैसे होगा विद द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट. किस किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई उसके हिसाब से लोगों ने ढलना शुरू किया. सो कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं लाइक हाउ वाज द क्लाइमेटिक कंडीशन एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द मेसोलिथिक रीजन. तो उसमें आप देखेंगे जो राजस्थान और गुजरात, जिसमें आज के डेट में भी आपको ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगा, और जो फ्लोरा होती है वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, सैंड ड्यून्स भी देखने को मिलेगा, इट वॉज सेम इन दैट एज वेल. और वहीं आप कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बात करें तो वहाँ सेमी रेड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है आज के डेट में भी. सो दिस वॉज सेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो. और वहाँ पर आपको थिक ग्रास कवरिंग्स देखने को मिलती हैं, स्क्रब्स, थ्रोन्स, ये सारी चीज़ें आपको नजर आ जाती हैं. वहीं वेस्ट बंगाल के रीजन में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस था ये ड्राई और माइल्ड क्लाइमेट था. स्क्रब फॉरेस्ट यहाँ पर भी थे, काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पर देखने को मिलते थे. आज के डेट में भी आप वेस्ट बंगाल वाले रीजन में जाएंगे सो दे आर लाइक थिक फॉरेस्ट उधर आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे आपको अच्छे खासे वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन अगेन कोरिलेट एंड मेक अ गुड आंसर. ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो प्रोमिनेंट साइट्स है वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड की हुई हैं. तो आपको गुजरात में तो देखने को मिलेगा ही जो कि आपके एस डी संघालिया ने डिस्कवरी करी हुई थी. और यहाँ पे आपको कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स वगैरह भी देखने को मिले थे, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोलिथ्स भी देखे गए. सो दीज आर लाइक इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आपको मार्क करने हैं. वहीं आपके अगर मध्य प्रदेश रीजन की बात करें तो आदमगढ़, भीमबेटका, दीज आर लाइक इंपॉर्टेंट साइट्स देयर. तेहरी ग्रुप आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा. बुरहानपुर जो वेस्ट बंगाल में आता है ये भी एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है. नाउ इस कैटेगरी में आप इनको क्लब कर सकते हैं, ओके. सो दीज आर द प्लेसेस दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड मार्क. एंड मूविंग अहेड हम ये जितने भी सारे मेसोलिथिक साइट्स हैं इनको वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, ईस्टर्न और सदर्न
कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ऐसे पूछा जाता है लाइक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्टर्न मेसोलिथिक, या वेस्टर्न मेसोलिथिक के बारे में बताएं, सिंपल सी बात है। नॉर्दर्न मेसोलिथिक के बारे में आपको लिखने को पूछ लिया जाता है, ईस्टर्न के बारे में पूछ लिया जा सकता है। सो इन दैट केस यू नीड टू नो द ज्योग्राफिकल स्प्रेड, और वो आप इंडिया के मैप में लोकेट कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी एग्जॉस्टिव वन, बहुत सारे साइट्स हैं, तो आपको जो जो साइट्स यहाँ पे देख रही है यू कैन डेफिनेटली मार्क, आपको एग्जैक्ट मार्क करने की भी जरूरत नहीं है। इतना तो पता है भाई ये वाला पोर्शन राजस्थान का है, तो आपको बग्गड़, तिलवाड़ा, लालगंज जो कि गुजरात में है, ये इधर मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एरिया कहाँ पे है, फिर उस पर्टिकुलर स्टेट में आप उसको मार्क करके बता सकते हो। तो दैट इज हाउ यू नीड टू डू। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड्स हम देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, कि कौन कौन सी वेस्टर्न साइट्स थी, कौन कौन सी साइट्स थी, और वहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपके लिए ये रेडीमेड सा आंसर है। ऑफकोर्स यू कैन ऐड मोर थिंग्स फ्रॉम योर ओन, बट एक आपको स्ट्रक्चर स्केलेटन तो ईजिली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न कल्चर दैट इंक्लूड योर बग्गर, तिलवाड़ा एंड लगनाज, इनको डिस्कस करते हैं। सो बग्गर वॉज बींग एक्सकेवेटेड बाई वी एन मिश्रा ड्यूरिंग 1967। ओके, एंड ये बग्गर बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एन स्मॉल विलेज लोकेटेड नियर द रिवर कोठारी। आई हैव बीन टू बग्गर, और आज भी अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो यू कैन सी द ह्यूज सैंड ड्यूज, आपको वो ईजिली देखने को मिल जाएगा। सैंड ड्यूज से कहने का ये मतलब नहीं है बिल्कुल रेगिस्तान आपको नजर आएगा, वैसे भी नहीं है, बट या इट यू कैन ईजिली फाइंड सर्टन सैंड ड्यूज ओवर देयर इन बग्गर। ऑलराइट, ये जो रिवर कोठारी है और ये विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर बनास, ऑल्दो आपको ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत है, यहाँ पे उतना इसका रेलिवेंस है नहीं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। और ये जो साइट्स थी जो डिस्कवर की गई बाई वी एन मिश्रा, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनको देखने को मिली, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर साइट्स। सो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप बात करते हो तो यू हैव लाइक सर्टन सोर्सेज दैट टेल्स यू अबाउट द लाइफ आउट देयर, और इतने टाइम तक जो सोर्सेज जिंदा रह सकती हैं दैट आर द टूल्स दैट माइट बी यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनको थिन ब्लेड्स विद फ्लैट इंटरचिंग्स देखने को मिले थी, ब्लंटेड बैक ब्लेड्स देखने को मिले थे, ऑब्लिकली ट्रुनिकेटेड ब्लेड्स देखने को मिले थे, देन लेटरल बैकिंग। सो दीज आर लाइक सर्टन काइंड ऑफ एन ब्लेड, आपको इनके इतने शेप्स एंड साइज पे जाने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड एटलीस्ट नो लाइक दीज वेर सर्टन काइंड ऑफ एन मेसोलिथिक टूल्स दैट वॉज बींग फाउंड इन दिस एरिया। तो ये आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा दो चार बारी देख के रटना तो पड़ेगा ही। देन तिलवाड़ा, इट वॉज अगेन वी एन मिश्रा ने इसको एक्सकेवेट किया था 1971 में, ये कब हुआ था 1967 के अंदर। सो 1971 और ये तिलवाड़ा आपका ये भी राजस्थान में ही लोकेटेड है, तो यहाँ पे भी आपको ट्रेपेज, लुनेट पॉइंट्स, रिमेंबर हमने ये ट्रेपेज वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख रखी है, यू कैन रेफर बैक दिस पर्टिकुलर टू पेजेस अगेन एंड अगेन, तो आपको याद हो जाएगा कि ट्रेपेज किसको कहते हैं, बैक्ड ब्लेड किसको कहते हैं। सो आई एम नॉट रेफरिंग इट अगेन एंड अगेन, आई जस्ट लीव इट टू यू कि आप ये चीज़ें यहाँ से देख लेना कि कौन कौन से टाइप के आपके टूल्स यूज़ किए गए थे, और उसको आप रेफर कर सकते हो, और इसी टूल्स को आपको ड्रॉ भी करना है यहाँ पे, ठीक है। ग्लास बीड्स यहाँ पे मिले थे, दीज आर लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच एवर आई हैव हाईलाइटेड इन लाइक बोल्ड, और व्हील मेड पॉटरी यहाँ पे नजर आई थी, देन चार्ट बोन्स भी देखने को मिले थे, और कुछ सर्कुलर अरेंजमेंट्स थी जिससे सर्कुलर हैबिटेशन का पता चलता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर भी देखा था वेन वी हैव सीन कि हैबिटेशंस कैसा था, तो आपको सर्कुलर हट देखने को मिले थे कहाँ, तिलवाड़ा में, ठीक है। सो दीज आर द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन बींग रिपीटेड, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होने वाली है याद रखने के अंदर। और हैबिटेशंस में हर्थ्स हुआ करते थे, व्हाट आर दीज हर्थ, तो हर्थ बेसिकली इसको कहते हो आप जब आपके घर के अंदर एक छोटा सा स्पेस लोकेटेड होता है टू कीप इट वार्म, जहाँ आप आग जला सकते हो, दैट इज कॉल्ड हर्थ, ओके। और हैबिटेशनल डेब्रीज इंडिकेटिंग सेडेंट्री लाइफ, दैट मीन्स पीपल माइट बी लिविंग आउट देयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे ऑफ तिलवाड़ा। जब आप लांगनाज की बात करते हैं जो कि गुजरात में लोकेटेड है, एंड बाई नाउ यू शुड नो कि एच डी संखालिया ने डिस्कवर किया था इस साइट को, और ये लोकेटेड कहाँ पे है, वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर साबरमती। सो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, ताकि जब आप इंडिया का मैप बनाएं और लाइक उसके अंदर इस चीज़ों को लोकेट करें तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए थे या क्या क्या एविडेंसेस मिले थे, ऑफकोर्स ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स देखने को मिले थे, हारपून्स, फिशिंग स्पेयर्स। अब ये हारपून्स, फिशिंग स्पेयर्स मिलना लाजमी है बिकॉज ये आप गुजरात की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मे बी हो सकता है कोस्टल रीजन जो आपकी रिवर बैंक है वहाँ पे उनको मछली पकड़ने का अच्छा
like अपॉर्चुनिटी हो, दैट इज वाई सच अ काइंड ऑफ टूल्स माइट बी फाइंड आउट देयर. ग्राइंडर्स भी देखने को मिले थे वहाँ पे, दैट इज अगेन वन ऑफ द पॉइंटर्स दैट यू शुड इंक्लूड. देन राइनोसोरस के कुछ अवशेष भी देखने को मिले थे, लाइक द रिमेन्स ऑफ राइनोसोरस, एंड दैट पॉइंट्स आउट दैट इन लांगनाज देयर माइट बी सर्टन काइंड ऑफ अ राइनोसोरस वॉज प्रेजेंट. ओके, फ्रैगमेंट ऑफ स्टोन ग्राइंडर्स, क्वेंस, stone bead, crude potteries, bone of wild boar, blue bull which is called nilgai nowadays. तो इन सारे जो भी आप animals यहाँ पे देख रहे हैं इनको आप याद रख लेंगे और इनको include करेंगे, because ये भी एक important characteristics है उस place का कि इस type के animals पाए जाते थे. आज के date में भी आप जब पढ़ते हो environment के अंदर तो you see कि black bug कहाँ पे पाया जाता है. ऐसा तो नहीं है black bug आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएगा, right? उसी तरह से आपको lion एक certain geographical location में ही देखने को मिलता है. So that is why it becomes important for you to point out like which specific animal was found out in which areas. और एक important point है जो आपको लिखना है इसके अंदर कि यहाँ पे 40 human burials देखे गए थे in a flexed position. और इन burials में एक important characteristics ये भी देखी गई कि cuts on the forehead, उनके foreheads में cut marks थे. तो it might be like some certain kind of a cannibalism, हो सकता है उनके cut marks से वो ब्लड निकाल रहे हो, एंड इट माइट बी लाइक यूज फॉर, आई डोंट वांट टू डिग इनटू दैट, बट या इट माइट बी यूज फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कैनिबलिज्म. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है. और लाइफ स्टॉक रेजिंग के भी कह सकते हैं आप, इविडेंसेस देखने को मिले हैं लाइफ स्टॉक रेजिंग के इन दिस लांगनाज एरिया. सो अगर आप एच डी संघालिया के बारे में लिख रहे हैं तो आप लांगनाज के बारे में तो लिखे ही लिखोगे, उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड कर दोगे, तो इससे आपके जो आंसर है ना उसमें आपको पॉइंटर्स इंक्लूड करने में मदद मिलेगी. और एच डी संघालिया के और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे आगे चल के आप पढ़ेंगे, आप वो भी लिख सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, थोड़ा बहुत रिसर्च आप अपने लेवल पे भी कर लो. देन अगर आप सेंट्रल कल्चर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भीमबेटका और आदमगढ़, ये दो इंपॉर्टेंट लोकेशन आएंगे, इनको आप मैप में मार्क कर सकते हैं. मैंने मैप यहाँ इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज आई अज्यूम इंडिया का मैप तो आपको रटा हुआ होगा अभी तक. सो एच डी संघालिया ने ये वाला एक्सकवेशन किया था. सो अगेन अब इसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सेम सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है. और कुछ चीज़ें जो आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है, लाइक अगर इस कल्चर का यहाँ पे जैसे मैंने टाइम पीरियड मेंशन करा हुआ है तो आप ये टाइम पीरियड इंक्लूड कर सकते हैं. और बाकी आप चीज़ें देखोगे तो माइक्रोलिथ तो यहाँ भी पाए गए थे, ट्राइंगल, ट्रेपेज, लूनेट, जो अलग अलग शेप्स हैं, इन शेप एंड साइज के माइक्रोलिथ यहाँ पे देखे गए थे. व्हील मेड पॉटरी भी यहाँ पे देखी गई थी, सो दैट इज़ अगेन आपको दूसरी जगहों पे देखने को मिला है. और यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमली फ्रैगमेंटेड ह्यूमन बिरियल्स भी देखे गए थे. हमने ये तो जान लिया है कि मेजोलिथिक में बिरियल प्रैक्टिसेस होती थी, तो दैट एविडेंस वाज आल्सो फाउंड इन भीमबेटका. तो ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो. और पेंटिंग्स तो आप भूलना ही मत, जब भीमबेटका का नाम आता है तो आप मेंशन कर ही देना, ठीक है. और हाई स्क्रीन वॉल्स, जो आप विंड स्क्रीन या विंड ब्रेकर्स जिसको बोलते हो, उस टाइप के एविडेंसेस भी आपके भीमबेटका में देखे गए थे. तो ये काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे पढ़ोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा, मतलब उतना लोड नहीं है इन कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस. आदमगढ़ की अगर आप बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है, ऑफ कोर्स योर सेंट्रल जोन में. एंड ये आर वी जोशी ने डिस्कवरी करी थी, एक्सकवेशन करी थी बेसिकली 1964 के अंदर. इसमें भी आप देखेंगे कि वही सारी चीज़ें हैं, बट हियर इन दिस आई हैव हाईलाइटेड और आई हैव पुट दिस इन बोल्ड जस्ट टू शो यू कि जो माइक्रोलिथ्स थे यहाँ पे वो थोड़े और क्रूड फॉर्म के थे, ठीक है. माइक्रोलिथ्स जो थे आदमगढ़ के वो और भी क्रूड फॉर्म के थे. बाकी आपको दूसरी जगह में मतलब माइक्रोलिथ्स देखने को मिलेंगे, दे आर लाइक अ बेटर वर्जन इन कंपेयर टू द माइक्रोलिथ्स दैट यू कैन फाउंड इन द आदमगढ़. बाकी सारी चीज़ें हैं मोस्टली यू कैन सी लाइक मोर और लेस द सिमिलर वन, ठीक है. और ये कल्चर का जो टाइम पीरियड है ये भी आपको याद रखना है. और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कौन कौन से एनिमल डोमेस्टिकेशन के लिए यूज हुआ करते थे, एंड जो मोस्टली टूल्स हैं टूल्स आपको मोर और लेस सेम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है. तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है याद रखने के लिए. नाउ नॉर्दर्न पार्ट की अगर बात करें तो सराय नहर राय, मोहराना पहाड़, बगोई खोर, चुपानी मंडू एंड दमदमा, तो ये इंपॉर्टेंट कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस है इन दी नॉर्दर्न पार्ट. अब इसके अंदर भी आपको क्या याद रखना है, एक तो लोकेशन की सराय नहर राय आखिर लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये यूपी में लोकेटेड है. आपके यहाँ पे किस टाइप के टूल्स देखे गए थे, तो देवर ट्रिपेस, पॉइंट, क्रिजेट, लुनेट, ट्राइंगल्स, इन्हीं टाइप के टूल्स थे. और किस टाइप के एनिमल्स उस टाइम पे डोमेस्टिकेट हुआ करते थे, तो दीज आर द एनिमल्स. हाउस का स्ट्रक्चर क्या था, तो रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, ये हमने पहले भी हैबिटेशन वाले में भी देखा है, तो वही सारी चीज़ आपको यहाँ पे भी याद रखनी है. फायर के लिए हर्थ यूज हुआ करते थे. ह्यूमन बुरियल इन एक्सटेंडेड फोरम्स, मतलब ह्यूमन बुरियल काफ़ी एक्सटेंसिव था यहाँ पे.
one human skeleton with a microlith embedded on its rib was found. यानी कि human burial practices भी अलग अलग जगहों पे थोड़ा बहुत आपको complexities देखने को मिलता था. जैसे आज के date में भी आप बात करें, Hindu has different kind of an rituals for dead. Muslims have a different one, Parsis have a different one, right? तो ये अलग अलग टाइप के जो आप कल्चरल चीज़ें देखते हो रिलेटेड टू द डेड वंस, तो उस टाइम पे भी कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिले थे डिपेंडिंग अपॉन वेरियस रीजन. और इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड वॉज अराउंड द 9000 BC. ओके, देन आप महाराणा पहाड़ और भगोई खोर की अगर बात करें तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है, और यहाँ पे आपको रॉक शेल्टर्स देखने को मिलेंगे. और अगर आप बात करेंगे टूल्स के, तो टूल्स भी आपको लुनेट पॉइंट ट्रेपेजियम यही सारे टूल्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पे भी आपको रॉक शेल्टर्स और वॉल पेंटिंग्स जो होगी वो देखने को मिलती हैं. तो दीज आर लाइक स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर. चोपानी मंडू, अब ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है, बट हियर आई हैव हाईलाइटेड दिस बेलन वैली बिकॉज एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपको बेलन वैली के बारे में. तो आप बेलन वैली के बारे में स्पेसिफिकली अगर देखोगे तो आपको वहीं पे नहीं मिलेगा, बट दिस बेलन वैली इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू योर चोपानी मंडू विच इज अल्टीमेटली नथिंग बट अ मेजोलिथिक कल्चर इन दी मेजोलिथिक नॉर्दर्न कल्चर. तो आपको इसी के बारे में लिखना था, तो दैट इज हाउ यू रीड इन बिटवीन द लाइन्स. द मेन पर्पज ऑफ लाइक हाईलाइटिंग दिस इज टू टेल यू दैट कि आपको चीज़ों को बेटर तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको ऊपर नीचे कुछ भी पूछ लिया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये चीज़ तो पढ़ रखी थी. अब किसी लोगों ने तो चोपानी मंडू को पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने बेलन वैली देख के उनको लगने लगा होगा कि यार ये क्या ही पूछ लिया है, हमने तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं था. और जब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, ये वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अभी तक हम देखते हुए आए हैं. ठीक है, एनिमल बोन मिले थे, सर्कुलर हट्स थे यहाँ पे, और लुनेट ट्रैपेज और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी. तो दीज आर लाइक कॉमन थिंग्स दैट यू कैन रिमेंबर जस्ट बाय कीपिंग योर आईज ओपन. ठीक है, और दमदमा जब आप बात करें तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है. यहाँ पे भी आपको कुछ ज्योमेट्रिकल जो शेप्स के टूल्स थे वो देखने को मिले थे. दे आर द वेरी सिमिलर वन एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस वन. यहाँ पे भी आपको ह्यूमन बुरियल प्रैक्टिसेस देखने को मिली थी, एविडेंसेस देखने को मिले थे. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन राइट. ठीक है, ईस्टर्न में अगर आप बात करें ईस्टर्न कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस में, तो यहाँ पे बृहनपुर और कुचाई ये दो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. और ये जो बृहनपुर है ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा. और जब आप झारखंड की बात करते हो तो झारखंड रीजन में भी बहुत सारे मेजोलिथिक साइट्स है, बट अभी तक उनका एक्सकवेशन नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से. और एक्सकवेशन ना होने की वजह से लाइक यू डू नॉट हैव लाइक मच डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, बट कुछ कुछ जो माइक्रोलिथ्स वगैरह पाए गए हैं उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि मेजोलिथिक वहाँ पर कल्चर किस टाइप का हुआ करता था. तो दे आर लाइक सेम एज दी अदर कल्चर्स. वहाँ पर भी आपको ब्लेड लुनेट इन टाइप की चीज़ें देखने को मिली हैं. कुचाई जो आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, यहाँ पे भी आपको अलग अलग टाइप के माइक्रोलिथ्स देखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप का सिरामिक आपको देखने को नहीं मिला है. वहीं अगर आप बिरनपुर की बात करें तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोल्ड में मार्क की हुई हैं, दीज आर लाइक इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि यहाँ पे जो आपके माइक्रोलिथ्स थे दे आर द नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ. यानी कि ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिले थे, दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. और दूसरी चीज़ जो ये है कि यहाँ पे हर्ट्स जो थे आपको यूपी में ज़्यादातर देखने को मिले थे, राजस्थान में देखने को मिले थे, वैसे हर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं. और सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज है ऐसा पता चलता है, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द पॉइंट. और यहाँ पे आपको कोई भी बोन्स या ह्यूमन बुरियल्स नहीं देखने को मिले थे, दैट इज़ वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट is contrastingly different from the others. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखेंगे बिकॉज मोस्टली तो अभी तक हमने जो देखा है दे आर मोर लेस लाइक ऑन दी सिमिलर लाइन्स, बट दिस बृहनपुर हैज सम सर्टन काइंड ऑफ एन डिस्टिंक्शंस इवन बीइंग इन मेसोलिथिक साइट. सदन में अगर आप बात करें तो सदन में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. वन इज़ योर सोहरापुर दौब जो कि आपके कर्नाटका में लोकेटेड है, और दूसरा तेलुगु साइट्स है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्लेसेस जो कि तमिलनाडु में इंक्लूडेड है. ठीक है, तो सोहरापुर दौब, अब इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, जो कि एक्सकेवेशन किया गया था जिससे, तो पाद्या वाज वन हु ही वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट, ही बेसिकली एक्सकेवेटेड दी साइट्स. यहाँ पे इन्होंने कृष्णा और जो भीमा रिवर्स है इनसे जो द्वाब बनता है विच इज़ नोन एज द सोहरापुर द्वाब, वहाँ पे ये अलग अलग 25 साइट्स को डिस्कवर किया था. एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें फाइंडिंग्स की गई थी जो कि आपके माइक्रोलिथ्स थे, सर्टन टाइप्स ऑफ टूल्स थे,
तो दीज आर द सेम थिंग दैट वी हैव सीन, बट ये जो पॉइंटर्स हैं कि हु एक्सकेवेटेड इट एंड हाउ मेनी साइट्स लाइक प्रॉपर जोग्राफिकल लोकेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर. टेरी साइट्स की अगर आप बात करें तो ये तमिलनाडु में था एंड दीज आर द पीपल हु काइंड ऑफ एन एक्सकेवेटेड दिस पर्टिकुलर साइट दैट यू नीड टू नो. और यहाँ पे दोनों ही टाइप के ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल दोनों ही टाइप के आपको माइक्रोलिथ्स देखने को मिले थे. और किस किस टाइप के माइक्रोलिथ्स थे दैट इज लाइक वेरी वेल अंडरस्टूड जो कि हम पढ़ते आए. एक चीज़ जो आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो टू मेक इट लाइक डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स दैट की जो श्रीलंका की एक मेजोलिथिक साइट है वो काफ़ी मिलती जुलती है आपकी तमिलनाडु की साइट से. ऑफकोर्स देर इज़ अ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मे बी बिकॉज ऑफ दैट. और अगर आप टाइम पीरियड की बात करें कि वेन दिस टेरी साइट्स मेसोलिथिक एज वॉज प्रेजेंट तो दिस वॉज ड्यूरिंग दी 5000 BC. ठीक है, सो दीज आर सर्टन पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. और आई सजेस्ट कि आप एक बार लेक्चर देखने के बाद ज़रूर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको जाके देखें रिलेटेड टू दी मेसोलिथिक एंड सी लाइक यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस और नॉट. ओके, थैंक यू सो मच.